फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप और आज है हमारी 19 जुलाई और आज तक की हमारी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटजी के पे बात करेंगे हम। भाई देखो, एक बार रिकैप देख लेते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन में है, तो काफी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की। जो तो टाइम्स पत्रिका ने जो किस भारतीय शहर को जो 2022 के लिए 20 के जो महानतम सूची में जो सूचीबद्ध किया है, तो इसमें जो अहमदाबाद इज द ए हमारा जो करेक्ट आंसर है, जो है अहमदाबाद इसमें। और स्पेस टेक स्टार्टअप जो अग्नि कॉस्मोस के लिए किस शहर के लिए भारत का पहला रॉकेट जो इंजन कारखाना खोला गया है, तो चेन्नई द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फिर नेक्स्ट हमारा जो हाल ही में किस पूर्व जो भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा जो सम्मानित किया गया है, सौरभ गांगुली जी हैं उसमें। फिर जुलाई 2022 के लिए भारत में जो बांग्लादेश के जो अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो मुस्तफिर रहमान है इनका आंसर जो है। फिर हाल ही में जो जारी जो द मैकमोन लाइन्स द सेंचुरी ऑफ द डिसकॉर्ड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जे सिंह है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ता के लिए कैंसर पैदा करने वाले जीन को पहचान करने के लिए PIOT का जो नामक AI टूल जो विकसित किया है, तो IIT मद्रास ने किया है। कौन से देश I2U2 जो ग्रुप से जुड़े हैं, तो इंडिया, इसराइल, UAE और USA। इस पर तो हम काफी चर्चा कर चुके हैं। जो नेक्स्ट है हमारा, कौन से जो संस्था जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी करते हैं, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। नेक्स्ट है, जापान के ऑर्डर ऑफ द रीजनिंग जो राइन जिंक सन गोल्ड एंड द सिल्वर स्टार्ट बुक 2022 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया, तो नारायण कुमार है। भाई देखते हैं फिर आज की क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो, अगर सेशन समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इससे आपको हेल्प मिलती है, तो भाई देखो शेयर कर दो अपने दोस्तों तक और जो वीडियो को लाइक कर दो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने किस जेम्स वेब स्पेस जो टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड को सबसे गहरी और सबसे जो रंगीन छवि निकाली है, तो इसमें नासा इज द करेक्ट आंसर। तो नासा तो इसरो के जो बनाए गए हैं जो भाई उपाध्यक्ष हैं, तो ये कौन है, परमेश्वर अय्यर जी का जो है, और इसरो गगनयान भेजेगा 2023 में। पहले 2022 की बात थी इसके अगस्त तक भेजने की, अभी डिले हो गया है। नासा ने जो तियानमेन वन है इसके जो इसका है रोवर जाक्सा जापान का है जो स्पेस एजेंसी है, इतना पता होना चाहिए। यह टेलीस्कोप 2021 में लॉन्च था जो वर्तमान में सूर्य की परिक्रमा धरती से 15 लाख किलोमीटर तक कर रहा है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो हाल ही में अंतरिक्ष कई जो चित्र लिए हैं, इनमें से चित्र जो अंतरिक्ष के अज्ञात हिस्से के भी हैं, उन्हीं के द्वारा लिए गए चित्र के लिए जो SMACM 07723 आकाश गंगा समूह को दिखाया गया है। तो जेम्स टेलीस्कोप है क्या, इसे जो नासा द्वारा जो कनाडाई अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह है जो एरियन जो रॉकेट से लॉन्च किया गया था, इसमें जो $13.7 अरब से बनी जो आकाशगंगा जो तारों की स्कैन करने के लिए टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। टेलीस्कोप की कीमत है $10 अरब इसकी कीमत है। ब्रह्मांड में जो गहराई को नापने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाना है, इससे पहले जो स्टार आबादी से प्रकाश के लिए कैप्चर करेगा। ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, NIRF के इंडिया रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान के रूप में जो किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो विच हैज द टॉप ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द NIRF इंडिया रैंकिंग 2022, तो इसमें IIT मद्रास इज द करेक्ट आंसर है। तो इसलिए जो AI यानी कि इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्लस रोबोटिक्स में इन्होंने स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट ये हिस्से देख लेते, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान मद्रास, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग NIRF की रैंकिंग में 7वां संस्करण फ्रेमवर्क जारी किया है। एम्स भारतीय दिल्ली भारत का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है, जबकि जो नेशनल लॉ ऑफ जो यूनिवर्सिटी बेंगलुरु सबसे अच्छा लॉ कॉलेज है। तो ये ISC जो बेंगलुरु 2 पे, IIT जो बॉम्बे 3 पे इनकी रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जुलाई 2022 में भारत के लिए किस राज्य में जो मंकी पॉक्स का जो पहला मामला सामने आया, तो इन विच इज द स्टेट इज द फर्स्ट केस ऑफ द मंकी पॉक्स हैज बीन द रिपोर्टेड इन 2022। ये हम इसमें केरल इज द करेक्ट आंसर है। तो जो यहाँ पे है दिल्ली में जो ये व्हाइट फंगस पहले आया था, और मध्य प्रदेश में जो ग्रीन फंगस ये ध्यान होना चाहिए पूछा जाता है जैसे, और बिहार में जो चमकी बुखार ये पता होना चाहिए। दुनिया के जो 71 देशों के लिए फैला चुका जो मंकी पॉक्स भारत में भी आ चुका है। केरल के तिरुवनंतपुरम से विदेश से लौटे एक शख्स को जो मंकी पॉक्स
मंकीपॉक्स के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के इंसानों के लिए मंकीपॉक्स का पहला मामला 1970 के सामने आया था। मंकीपॉक्स को संक्रमित होने पर जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं, मंकीपॉक्स कोई भी ठोस इलाज नहीं है इसका। क्या है मंकीपॉक्स? अमेरिका सेंटर ऑफ द डिसीज कंट्रोल CDC के मुताबिक जो बीमारी 1958 में सामने आई थी, जिस रिसर्च के लिए सबसे बंदरों के लिए संक्रमण मिलता है, इसका नाम मंकीपॉक्स रखा गया। इन बंदरों को जो चेचक जैसी बीमारी के लक्षण थे, तो ये जो यहाँ पे जो फेस्टिवल यहाँ जो ओनम है इंडिया का, इसका जो केरल का जो इसको जो हेल्थ इंडेक्स में जो देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम यहाँ पड़ेगा, साइलेंट वैली है यहाँ पे, लोक नृत्य कथकली हो जाएगा, तो सारी चीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो वेयर विल द इंडिया द फर्स्ट इको पार्क ई वेस्ट इको पार्क बिल्ट, तो कहाँ पे बनाया जाएगा? तो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर है। अच्छा, कानपुर में देख लेते हैं, लेदर पार्क है, कोझिकोड में जो है ये जो जेंडर पार्क, और जो तिरुवनंतपुरम में जो है ये स्पेक्स पार्क, तो ये सब पता होना चाहिए भाई हमें। प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जाएगा। यह पार्क दिल्ली जो बाहरी दिल्ली के लिए होलंबी जो कला में करीब जो 21 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इस पार्क को स्थापित करने का जो उद्देश्य बिजली उपकरणों जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन से निकलने वाले कचरे को खत्म करना है। दिल्ली के अपशिष्ट उत्पादन वेस्ट जनरेशन इन द दिल्ली, वर्तमान में दिल्ली में हर साल 2 लाख टन जो ई कचरा पैदा होता है। हालांकि इसे वैज्ञानिक और जो सुरक्षित तरीके से हैंड नहीं किया जा रहा है। इसमें जो आग लगने से कई जो जानलेवा घटनाएं हो गई हुई हैं, जो बदले में दिल्ली के निवासियों के लिए कूड़ा उठाने के वाले जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा भाई, पर देखो अगर थोड़ा सा भी समझ में आता है, देखो आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो वीडियो को देखो लाइक और शेयर में कंजूसी ना करो और कमेंट भी करके बताएं। ये आपसे बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली इन विच स्टेट द प्राइम मिनिस्टर द नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे? तो ये ए हमारा उत्तर प्रदेश द करेक्ट आंसर। इसमें महाराष्ट्र में जो तुकाराम जो और तेलंगाना में जो स्टैचू ऑफ द इक्वलिटी, और जो यहाँ पे जो ये देखते हैं फिर है पीएम मोदी ने जो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, जालौन में किया है, ये जालौन पड़ेगा आपका, यूपी में पड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो 7 जिलों से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से होकर गुजरेगा, इनको पता होना चाहिए। यह है जो 200 खासकर जो यूपी स्पेशल 296 किलोमीटर का लंबा जो फोन लेन वे जो एक्सप्रेसवे है, इसे जो करीब जो 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बाद में इसे 6 लेन तक बनाया जाएगा। इसमें 4 रेलवे पुल और जो 18 रेलवे पुल हैं, बड़े पुल हैं, और जो 286 छोटे पुल हैं। इसकी अपनी जो टाइमलाइन से जो ये 8 महीने पहले रिकॉर्ड जो 28 महीने में किया गया है, इसके 36 महीने का टारगेट था। तो यह बुंदेलखंड का आर्थिक विकास के लिए बढ़ावा देगा, और जो इसमें 13 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस का सबसे बड़ा नेटवर्क है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पंजाब की जो पटियाला हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने मानव तस्करी के लिए किस केस में जो दलेर मेहंदी को जो कितने साल की सजा बरकरार रखी है? तो पटियाला कोर्ट ऑफ द पंजाब अपहील्ड द सेंटेंस ऑफ द दलेर मेहंदी हाउ मेनी इयर्स ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो केसेस? तो इसमें 2 साल इज द करेक्ट आंसर, 2 साल। तो पटियाला की एक अदालत ने आदेश पर पंजाब के जो मशहूर गायक जो दलेर मेहंदी को 2003 के खिलाफ दर्ज एक मानव तस्करी के मामले में जेल भेज दिया गया है। और ये मेहंदी की ओर से जो 14 जुलाई 2022 को अदालत में एक सजा खिलाफ जो अपील दायर की गई थी, जिसमें अदालत ने खारिज कर दिया और अदालत को मौजूद मेहंदी की गिरफ्तारी को जेल भेज दिया गया। पंजाब की पटियाला दिल्ली मेहंदी की जो 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, भारत में जो इंटरनेट क्रांति का जनक किसको माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? हु हैज द कंसीडर द फादर ऑफ द इंटरनेट रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया, हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो इसमें जो बृजेंद्र कुमार सिंगल इज द करेक्ट आंसर है। तो ये कंप्यूटर जो पासवर्ड जो इसके लिए दूध क्रांति इसके लिए माना जाता है, इसको फोर्टे कार्बोट को, और जो वर्गीज कुरियन को दूध क्रांति के लिए, और जो सोरोबोजी इनको अवार्ड 76। तो ये इनका निधन हुआ है, ये है वीरेंद्र कुमार जो सिंगल। तो ये विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL के चेयरमैन जो पूर्व चेयरमैन विजयेंद्र कुमार सिंगल का निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे विजयेंद्र कुमार
योगेंद्र कुमार जो सिंगल के भारत में इंटरनेट के जनक माने जाते हैं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत उन्हें विकसित करने का उन्हें जो अहम योगदान रहा, जो विजयेंद्र कुमार जो क्योंकि एक जो IITian थे, सिंगल ने जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी इनर मैन सेट को छोड़कर जो साल 1991 में VSL को जो कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत को किन दो स्थानों के बीच में जो टाइम मैगजीन ऑफ द वर्ल्ड गेस्टेस्ट प्लेस ऑफ 2020 में शामिल किया गया है, तो इसमें जो एक हमारा गलत है, तो इसमें जो हमारा सही जो ऑप्शन है वो अहमदाबाद और केरल है। अच्छा, इसमें जो ताप्ती और सूरत में सूरत की ताप्ती नदी है, इंदौर में जो इसमें जो खान, ये हमारा जो सूरत जो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 मिला था इसको, और जो दिल्ली और मुंबई हैदराबाद को जो ट्री सिटी ऑफ द अवार्ड 2021, और दिल्ली को दिल्ली और मुंबई के बीच में जो सेफ सिटी इंडेक्स 2020 में जो उनका पहला स्थान है भारत में, और कोपेनहेगन जो टॉप पे है जो सेफ रहने के हिसाब से, मतलब जिसमें जिस इस तरह का करप्शन वगैरह जो कम हो, टॉप जो टॉप 50 में जो कौन कौन सी है, दिल्ली है 48 है और जो मुंबई जो 50 है, इतनी पता होनी चाहिए हम इससे जो रिलेटेड। टाइम मैगजीन द्वारा जो इस वर्ष भारत में दो स्थानों को जो एक्सप्लोर करने के लिए 50 अभ्यारण्य स्थलों को नामित किया गया है, दक्षिण राज्य केरल और अहमदाबाद 2022 की दुनिया में जो महानतम स्थानों की दो सूचियां प्रस्तुत थी, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर तो 2021 है, ये एलन मस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो व्हेन इज द वर्ल्ड यूथ स्किल डे, तो ये मनाया जाता है भाई हमारा 15 जुलाई, और 10 जुलाई को होता है राष्ट्रीय जो मत्स्य जो दिवस, और जो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है। महत्वपूर्ण प्रत्येक वर्ष जो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको मनाने के लिए उद्देश्य जो युवाओं को अनावश्यक कौशल बढ़ाने के लिए महत्व समझाने के लिए रोजगार के उद्यमों के बारे में निर्णय लेने के मिल सके, थीम है इसके ट्रांसफॉर्मिंग यूथ ऑफ द स्किल्स ऑफ फ्यूचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने का दुनिया के सबसे पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो इसमें भुवनेश्वर कुमार इज द करेक्ट आंसर है, तो भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश कुमार जो अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 500 डॉट फेंकने वाले जो दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं, ये उपलब्धि उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच में जे एस डिस्टेंस में खेले गए T20 मैच में दो में हासिल की। नेक्स्ट भाई यस्टरडे क्वेश्चन का जो कल जो ऑप्शन था, हाल ही में जो खबरों में रहा जो सिंगलीला जो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, राष्ट्रमंडल जो खेल 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कहाँ आयोजित किया जाएंगे, तो ये इंग्लैंड में किए जाएंगे। भाई ये देखो आज तक की हमारी करंट जो स्टैटिक्स से मैंने क्रिएट करके बताया, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और जो पहली बार जो चैनल को विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों।